स्वरूप से ही पुण्य प्रदान होता है, स्वरूप से श्रद्धा प्रकट होती है, स्वरूप से निष्ठा का जन्म होता है, और स्वरूप ही हमारा हमें भक्ति से जोड़ता है। इसीलिए प्रतिमा का, मूर्ति का अवतरण हुआ समाज में पूजन के लिए। प्राचीन काल में मूर्ति नहीं थी, पहले निराकार भक्ति थी और मूर्ति के रूप में यज्ञ होता था। धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा यज्ञ से हटती चली गई, फिर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, फिर जैन धर्म का जन्म हुआ, उसके बाद में मूर्तियों में जब भगवान को प्रतिष्ठा की तब जाकर के हिंदू फिर से बचा और हिंदू को मार्ग मिला पूजा करने का, पाठ करने का। यावतम ध्यायते पुण्यम, पांच प्रकार की पूजा बताई है हिंदू धर्म में। पहली ब्रह्म पूजा, फिर देव पूजा, फिर पितृ पूजा, फिर बलवैश्य पूजा और फिर अतिथि पूजा। ये पांच पूजा जो घर में रोज करते हैं उनका घर स्वर्ग है, उन्हें कहीं स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। उनका घर वैकुंठ है, उनका घर धर्मसुक्ता है, उनका घर ही वैकुंठ है। उन्हें उस घर का नाम वैकुंठ धाम लिख देना चाहिए, उस घर का नाम स्वर्गाश्रम लिख देना चाहिए, उस घर का नाम इंद्रलोक लिख देना चाहिए, उस घर का नाम देवलोक लिख देना चाहिए, जहाँ पंचकर्म होता हो, जहाँ पंच दिव्य पूजा होती हो, जहाँ अतिथि का पूजन होता हो, जहाँ देवों का पूजन होता हो, जहाँ पितरों का पूजन होता हो, और जहाँ ब्रह्म का, परमात्मा का ध्यान किया जाता हो, वो घर साक्षात वैकुंठ है। हमें वैकुंठ वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं। और मैं तो कभी कल्पना नहीं करता कि मुझे वैकुंठ दो, मुझे स्वर्ग दो, मुझे फलाना दो, मुझे ढिकाना दो, कुछ नहीं। आपके पास जो है ये वैकुंठ है, यही धाम, यही सर्वस्व है। यावतम लोकम प्रियां, इतनी बार शिव जी आए, इतनी बार ब्रह्मा आए, इतनी बार नारायण आए, ये सब क्यों आए? वैकुंठ में क्या है ऐसा जो कम पड़ता है, जो उन्हें धरती पर आना पड़ता है? धरती में रस है, धरती में सुगंध है, धरती में यारना है, धरती में प्यार है, धरती में रिश्ते हैं जो भगवान को चाहिए। पर इस धरती पर केवल रिश्ते के लोग नहीं है, इस धरती पर कुछ फरिश्ते भी रहते हैं और कुछ शैतान भी रहते हैं। यस्तम कर्मम विभूषितम यथ जानम उत्पत्सुक्तो हो, जातम भूषणम कृत्वाम कर्मणो जात फलश्रुति। आदमी के संस्कारों के अलग अलग फल हैं, उसी फल स्वरूप लोग अच्छे और बुरे पैदा होते हैं।